बहुत उत्साह से मनाते हैं गुड़ी पड़वा को, क्योंकि साल का नया दिन होता है और उसकी शुभ शुरुआत जो होती है बहुत जल्दी सुबह होती है, पूजन से शुरू होती है, फिर हम गुड़ी उभारते हैं, मराठी में उभारना कहते हैं, तो वो घर के बाहर राइट साइड पे हम लगाते हैं और उसकी भी पूजा होती है और फिर हम मिठाई वगैरह बनाते हैं घर पर और इसी उत्साह से मनाते हैं न्यू ईयर की, ताकि पूरा साल वैसा ही जाए। अभी तक नया लुक मैंने कलर्स का देखा नहीं है, देखने के लिए उत्सुक जरूर हूँ, उत्सुकता है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। उम्मीदों के बारे में बोल पाऊँगा क्योंकि कलर जब हिंदी में नया नया आया था तब बहुत सारी उम्मीदें लेके आया और उम्मीदों पे पूरा उतरा भी। वैसे ही यह कलर्स मराठी जब मराठी में आ रहा है तो अपने रंग तो लेके आएगा ही और लोगों को बहुत प्रेरित भी करेगा और उनका मनोरंजन भी करेगा। नहीं, बहुत अच्छा चैनल है जिसने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए आज तक, और मैंने भी इस पर एक सीरियल की थी वीर शिवाजी, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो जो चैनल इतने अच्छे प्रोग्राम करता है वो अगर मराठी में आ जाए और मराठी लोगों को कुछ अच्छे प्रोग्राम दें तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। आई एम रियली हैप्पी, ऑल माई बेस्ट विशेज टू कलर्स, थैंक यू। दो चैनल होते हैं टी वी होता एंड एक तिन्ही चॅनलमध्ये ना खूप स्ट्रॉंग कंटेंट कॉम्पिटिशन होणं खूप गरजेचं आहे आणि कलर्सचं मॅकिंगमध्ये मला वाटतं की नाव इंटरव्ह्यू विल रिअली फ्लाय। त्यांचे आत्तापर्यंत खूप छान छान प्रोग्राम मी पाहिलेले आहेत त्यांचे, तर पवन बने करोडपती आहे, कमला आहे, निकता यावर्षी आता सुरू होते त्याच्यात, त्यामुळे देर आर गुड प्रोग्राम। आता फक्त मला असं वाटतं की दोन खरं खूप एक प्रकार अटीतटीला राहिलेले चॅनल्स राहिले ना ते विल रिअली हेल्प, क्वालिटी पण सुधारते, डेफिनेटली वी आर ऑन अवर टोज टू डिलिव्हर द बेस्ट आणि इन जनरल इट विल हेल्प द होल इंडस्ट्री। मी काही संगम मानत नाही, मी कधीच पाडव्याला मी असं करेन तसं करेन म्हणत नाही, मला वाटतं फॉर मी एव्हरी डे द न्यू इयर। पाडवा डेफिनेटली एक ट्रेडिशन म्हणून मी गुढी उभारतो, माझे ट्रेडिशन मी फॉलो करतो, माझं कल्चर मी फॉलो करतो, पण मला असं वाटतं की त्या दिवशी एक नवीन पिक्चरची जाहिरात द्या किंवा सिनेमाची नाटकाची जाहिरात असं मी कधीच करत नाही, कारण मला वाटतं आय थिंक एव्हरी डे फॉर मी अन इम्पॉर्टंट आहे। धन्यवाद, म्हणजे आता नक्कीच म्हणजे नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा द्यायलाच पाहिजे, वर्ष सुखाचं समृद्धीचं भरभराटीचं जाऊ, पण मला वाटतं एव्हरी डे शुड फील ऑफ न्यू इयर, वाय वन इयर म्हणजे प्रत्येक वर्ष तुमचं सुखाचं समाधानाचं आणि यशस्वी जावं। सर एक बार हिंदी में गुढी पाडवा की हार्दिक शुभेच्छा, आपका ये नववर्ष अच्छा जाए, बहुत खुशी का जाए, बहुत बहुत ही सुपर हिट जाए। थैंक यू सर।